7.3.3 अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर मैनेजमेंट। पौधों में ज़्यादातर पदार्थों का उपयोग किसी न किसी तरीके से हो जाता है। कुछ पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी पौधे की सतह के रंध्रों या अंतरकोशिकी अवकाश से विसरण द्वारा निकल जाते हैं। क्या पौधों को इन पदार्थों की ज़रूरत होती है? यदि हाँ, तो ये क्यों निकल जाते हैं? दिन के समय प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनी अतिरिक्त ऑक्सीजन, जो श्वसन में उपयोगी नहीं होती, रंध्रों के द्वारा निकल जाती है, जबकि श्वसन में बनी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किया जाता है। परंतु रात में जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती जाती है, तब अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों के द्वारा बाहर निकलती है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों जैसे पत्तियां, तना या फल से अतिरिक्त पानी तथा कुछ अन्य पदार्थ निकलते हैं। इनके अलावा पौधों में अधिकांश कार्बनिक पदार्थ, जिनका निष्कासन जरूरी है, मृत ऊतकों में संचित हो जाता है। समय समय पर गिरने वाले पत्तों, फूलों तथा छाल के द्वारा इनका निष्कासन हो जाता है। बहुत से खनिज लवण भी पौधों के मृत ऊतकों में जमा हो जाते हैं। ये अक्सर कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं, जो समय समय पर पौधों के शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। कुछ पदार्थ जल द्वारा मिट्टी से निकल जाते हैं। जलीय पौधे से ऐसे पदार्थ सीधे पानी में निकल जाते हैं। क्या आप जानते हैं, पौधों के कुछ पदार्थ जैसे लेटेक्स, गोंद, रेजिन, टैनिन और एल्केलॉयड, जिनको सामान्य तौर पर अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, परंतु अधिकांश पौधों में ये पदार्थ उनकी प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। इन पदार्थों को हम अपने लिए भी उपयोग में लाते हैं। उदाहरण, रबर के पौधे के लेटेक्स से हम रबर बनाते हैं। तटीय क्षेत्र में उगने वाले एक विशेष प्रकार के पौधे के समूह, जिन्हें मैंग्रोव कहा जाता है, उनकी पत्तियों के आधार पर नमक ग्रंथियां होती हैं। जड़ द्वारा अवशोषित नमक इन ग्रंथियों के द्वारा पत्ती की सतह से निकल जाता है। 7.4 एक कोशिकीय जीवों में जैविक प्रक्रियाएं। चित्र क्रमांक 17 में अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। हमने पढ़ा है कि एक कोशिकीय जीवों का शरीर पर्यावरण के सीधे संपर्क में होता है, अतः भोजन, गैसीय आदान प्रदान व अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन शरीर की पूरी सतह या उसके किसी विशिष्ट भाग से होता है। इनकी जैविक प्रक्रियाएं कोशिकांगों के द्वारा संपन्न होती हैं। परिवार के हर प्राणी की तरह अमीबा भी बना है सिर्फ एक कोशिका का, वन सेल। अमीबा का कोई फिक्स आकार नहीं। अमीबा खाता कैसे है? खाता है अपने नकली पैरों की मदद से। सुडो मतलब नकली, पोडिया मतलब पैर। खाने का तिनका पास आते ही अमीबा के शरीर की जेली उसी दिशा में कुछ इस तरह बहती है कि बन जाते हैं सुडो पोडिया। अब ये खाने को घेर लेते हैं और शरीर के अंदर कर लेते हैं। खाना एक विशेष हिस्से में जाकर पच जाता है। अमीबा कैसा है ये कल्पना करना चाहते हैं तो पानी पर डालिए तेल की कुछ बूंदें। लग रहा है ना ये भी नकली पैर वाला अमीबा।